Welcome to my class, Botany by Lipsita. In the previous section, I discussed about the multiple choice question about protista and some question about the fungi. And in this class, I discuss about the multiple choice question of the rest of the fungi part. Okay, so let's start our class. So in the previous section, I discuss about 150 question, and in this section I discuss about next question, that is 151. Okay, the question is, which of the following produces spore but lacks vasculature? I think I discuss about this question also. Okay, 150 tak hum kar diye the. अब 154 से कर रहा हूँ. सो द क्वेश्चन इज, ब्रांच्ड एसेप्टेड सिनोसाइटिक माइसेलियम प्रेजेंट इन ऑप्शन ए एस्परजिलस, ऑप्शन बी एल्बुगो, ऑप्शन सी पेंसिलियम, ऑप्शन डी एरिसेफे. ओके, तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा 154 बी एल्बुगो. Albuco has branch accepted, that means they have no septa, no boundary, accepted, and sinusitic mycelium, that means what? Sinusitic mycelium means that they have multiple nucleus, so it is known as sinusitic. Single nucleus known as unnucleated, multiple nucleus is known as sinusitic. Okay, so 154 ka answer B, albuco. Then the next question, 155, the edible part of mushroom is, mushroom ka edible part kaun sa hai? A, basidiocarp, B, tertiary mycelium, C, primary mycelium, D, secondary mycelium. तो इसका आंसर है 155 का ए, बेसिडियोकार्प. मशरूम का एडिबल पार्ट है बेसिडियोकार्प. ओके, सो 155 का आंसर ए. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन 156, दैट इज कॉमन ब्रेड मोल्ड इज डैस. ब्रेड मोल्ड हम किसको बोलते हैं? ए ईस्ट, बी म्यूकर, सी बैक्टीरिया, डी वायरस. तो इसका आंसर है बी म्यूकर. म्यूकर राइजोपोस, इनको हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं. तो 156 का आंसर है बी म्यूकर. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन फ्रॉम अ फूड स्टोर इन फंगल सेल इज डैश. फंगल सेल में, जैसे कि प्लांट में फूड स्टोरेज होता है स्टार्च, वैसे फंगल सेल में फूड स्टोरेज कौन से ही होता है? ग्लाइकोजन, स्टार्च, ग्लूकोज, डी सुक्रोज. सो इसका आंसर है ग्लाइकोजन. 157 का आंसर है ए. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन 158, ए ग्रुप ऑफ फंजी विथ सेप्टेड माइसेलियम इन व्हिच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइदर अननोन और लैकिंग आर क्लासिफाइड अंडर. मैं कल बोली थी इसके बारे में कि जिसके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, ग्रुप ऑफ फंजी विथ सेप्टेड माइसेलियम इन व्हिच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइदर अननोन और लैकिंग, तो हम इसका आंसर क्या कहेंगे? ड्यूटेरामाइसाइटिस. ड्यूटेरामाइसाइटिस आल्सो नोन एज फंजी इनपरफेक्टी और नोन आज फंगल, सॉरी नोन आज कौन सी बास्केट है, कल क्वेश्चन किए थे हम उसके बारे में, क्या थी वो देख लेना. अब मैं देखती हूँ क्वेश्चन. हाँ, उसको बोलते हैं फंगल वेस्ट बास्केट. तो फंगल वेस्ट बास्केट हम किसको बोलते हैं? ड्यूटेरामाइसाइटिस. फंजी इनपरफेक्टी ड्यूटेरामाइसाइटिस को बोलते हैं क्योंकि उसके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइदर और अननोन,
उसके पास है बट अननोन है और एब्सेंट है, जो भी है बट मैं मोस्टली उसके पास एब्सेंट ही है। तो इसके लिए इस क्वेश्चन का आंसर है बी, ड्यूटेरमाइसिटिस। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन 159, दैट इज थ्रेड लाइक फिलामेंट ऑफ फंजी आर नोन एज। थ्रेड लाइक फिलामेंट ऑफ फंजी नोन एज ए, कोनिडिया, बी, माइकोराइजस, सी, स्पोरेंजियम, डी, हाइफा। तो इसका आंसर है डी, हाइफा। ओके, माइकोराइजा तो नहीं होगा, कोनिडिया भी नहीं होगा, स्पोरेंजियम भी नहीं होगा, हाइफा ही होगा। तो इसका आंसर है हाइफा, जो थ्रेड लाइक फिलामेंटस ऑफ फंजी आर नोन एज हाइफा। 159 का आंसर है डी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग अल्कोहल। इनमें से कौन है जो अल्कोहल प्रिपेयर में हेल्प करते हैं? ए, पेंसिलियम, बी, लैक्टोबैसिलिस, सी सी सैक्रोमाइसिस, डी, एसिडोबैक्टीरिया। तो इसका आंसर है सी, सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस मीन्स ईस्ट, ईस्ट का अदरवाइज नोन एज सैक्रोमाइसिस। तो सैक्रोमाइसिस ही अल्कल फॉर्मेशन के लिए और प्रिपेयर के लिए हेल्प होता है और यूज होता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्की आर फॉर्मड इन, आस्की मीन्स आस्कोमाइसिटिस। हम फंजी के फोर टाइप्स देखते थे, आस्कोमाइसिटिस, सॉरी, फाइकोमाइसिटिस, आस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, ड्यूटेरामाइसिटिस। सो आस्कोमाइसिटिस हैज आस्की। सो आस्की, आस्कोमाइसिटिस अंडर में कौन कौन से जाते हैं? तो इसका ऑप्शन है आस्कोबोलस, बी, सैक्रोमाइसिस, सी, पेंसिलियम, डी, ऑल ऑफ दिस। तो आस्कोबोलस बारे में आप जानते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, मगर जो भी नहीं जानते हैं वो सैक्रोमाइसिस और पेंसिलियम बारे में तो जरूर जानते हैं। सैक्रोमाइसिस ईस्ट है, पेंसिलियम वो दोनों आस्कोमाइसिटिस है। तो दो ऑप्शन इज करेक्ट, तो इसका आंसर है डी, अलप्तिस। ओके, 161 का आंसर है डी, अलप्तिस। देन पफ बॉल इज ए डैश, फंगस, अल्गा, मॉस, पाइन कॉप। पफ बॉल हम किसको बोलते हैं? फंगस को। तो इसका आंसर 162 का आंसर है फंगस। देन 163, जीनस पेंसिलियम बिलोंग्स टू द क्लास पेंसिलियम किसके क्लास से बिलोंग्स करता है? मैं अभी अभी ही बोली थी कि आस्कोमाइसिटिस के अंडर पेंसिलियम जाता है, तो इसका आंसर है आस्कोमाइसिटिस, 163 का बी। देन द रे फंजी आर, रे फंजी हम किसको बोलते हैं? आस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, एक्टिनोमाइसिटिस, बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर है सी, एक्टिनोमाइसिटिस। ओके, देन 164 का आंसर सी, 165, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिविजन ऑफ फंजी इंक्लूड क्लब फंजी। हम किसको क्लब फंजी बोलते हैं? ऑप्शन ए, जाइगोमाइकोटा, बी, एस्कोमाइकोटा, सी, डिटेरामाइकोटा, डी, बेसिडियोमाइकोटा। तो हम बोलते हैं डी, बेसिडियोमाइकोटा। बेसिडियोमाइसिटिस को हम क्लब फंजी बोलते हैं। ओके, देन 165 का आंसर है डी। देन 160, इन मशरूम फंगल टिश्यू व्हिच फॉर्म्ड सेंट्रल पार्ट ऑफ ए गिल। इन मशरूम में फंगल टिश्यू व्हिच फॉर्म्ड सेंट्रल पार्ट ऑफ गिल, गिल जो फॉर्मेशन करता है, इसको उसको क्या बोलते हैं? ए, स्ट्रीमा, बी, ट्रामा, सी, सब हाइमेनियम, डी, हाइमेनियम। तो इसका आंसर है बी, ट्रामा। हम ट्रामा बोलते हैं मशरूम के जो सेंट्रल पार्ट में गिल होते हैं, उसको हम ट्रामा बोलते हैं। ओके, आपके घर में तो सब मशरूम आता ही होगा, तो उस मशरूम को देखना और वो देखना कि उसके सेंट्रल पार्ट में गिल लाइक स्ट्रक्चर है, तो याद जल्द हो जाएगा कि उसको हम ट्रामा बोलते हैं। ओके, 166 का आंसर बी। देन 167, दैट इज नो नीड ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन इन, किसमें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर नहीं नीडेड है? तो ए, यूलोथ्रिक्स, बी, एल्बुको, सी, ब्रायोफाइट, डी, टेडोफाइट। तो इसका आंसर है एल्बुको। एल्बुको इज द फंजी। ओके, फंजी को फर्टिलाइजेशन के लिए किसी की वाटर की नहीं जरूरत है, तो इनमें से अल्बुको ही फंजी है, तो इसका आंसर अल्बुको है। 167 का आंसर बी। देन 168, फंगल हाइफा
are found on the surface of root because fungalipa behaves at roots for absorption of water. Xylem accept water from roots both A and B. D none of these. तो इसका आंसर क्या होगा? ए. फंगल हाइपा आर फाउंड इन द सर्फेस ऑफ द रूट्स बिकॉज फंगल हाइपा बिहेव एट रूट्स एयर फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. फंगल हाइपा जो रूट के सरफेस में है वो बिहेव करता है वाटर एब्जॉर्प्शन के, रूट हेयर के जैसा वो बिहेव करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन करता है. तो इसका आंसर है ए. और जो फंगल प्रेजेंट होता है रूट में उसको सिम्बायोसिस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? माइकोराइजा. ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोसाइटिक माइसेलियम. मैं अभी अभी बोली थी कि सिनोसाइटिक की मीन्स क्या होती है, तो इसका आंसर आप सब लोग जान चुके होंगे. तो सिनोसाइटिक माइसेलियम इज मल्टीन्यूक्लिएटेड. ओके, 169 का आंसर बी. देन 170, प्लाज्मोगैमी इज फ्यूजन ऑफ. प्लाज्मोगैमी मीन्स क्या है? प्लाज्मोगैमी मीन्स टू हैप्लॉइड सेल इंक्लूडिंग देयर न्यूक्लेई, या टू हैप्लॉइड सेल विदाउट देयर न्यूक्लियर फ्यूजन, या स्पॉर्म एंड एग, या स्पॉर्म एंड टू पोलर न्यूक्लेई. तो इसका आंसर क्या होगा? प्लाज्मोगैमी मीन्स दैट टू प्रोटोप्लाज्म आर फ्यूज और टू साइटोप्लाज्म आर फ्यूज. तो इसका आंसर है 170 का बी, दैट टू हैप्लॉइड सेल विदाउट न्यूक्लियर फ्यूजन. जब न्यूक्लियर फ्यूजन होगा तो इसको उसको हम बोलेंगे कैरियोगैमी. तो इसका आंसर है बी, टू हैप्लॉइड सेल विदाउट न्यूक्लियर फ्यूजन. ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टेक पार्ट इन सिम्बायोसिस ऑफ लाइकेन. ये तो बहुत ईजी है, ये सब आपको पता है कि आल्गी एंड फंगस. ओके, 171 का आंसर है ए. देन काइटिन प्रेजेंट इन फंगल वॉल. फंगल वॉल में तो काइटिन प्रेजेंट है, इसका फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला क्या है? C20, C22, S54, N4, O21 whole to the power n, या C21, S54, N4, O22 to the power n, या C22, S54, N4, O13 to the power n, या C22, S24, N4, O21 to the power n. तो इनमें से कौन सी आंसर होगा? आंसर ए, C24, H54, N4, O21 to the power n. ओके, 172 का आंसर है ए. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डाइकैरियोटिक सेल हैज. डाइकैरियोटिक सेल हैज क्या? डाइकैरियोटिक सेल पास कैरियो मीन्स तो आप सबको पता है कि कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, डाई मीन्स टू, तो टू न्यूक्लियस. सो टू न्यूक्लियस आर टू हैप्लॉइड या टू डिप्लॉइड या टू सिमिलर या डिप्लॉइड जाइगोट. इनमें से ऑप्शन में क्या होगा? टू डिसिमिलर हैप्लॉइड न्यूक्लिय इज नोन एज डाइकैरियोटिक सेल. सो 173 का आंसर है डी, टू डिसिमिलर हैप्लॉइड न्यूक्लिय इज नोन एज डाइकैरियोटिक सेल. ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, आल्जी फंजी आर प्लेस्ड इन. आल्जी फंजी किस ग्रुप में जाते हैं? एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, फाइकोमाइसिटिस या डिटरमाइसिटिस. इसका आंसर है फाइकोमाइसिटिस, बिकॉज फाइकोमाइसिटिस इज द प्रिमिटिव फंजी. ओके, और ये कुछ थ्योरी है कि आल्जी से फंजी हुआ था, तो इस अंडर में फाइकोमाइसिटिस जाता है. ओके, तो इसका आंसर है सी, फाइकोमाइसिटिस. एल्जी फंजी आर माने दैट मीन्स दैट अल्गल फंजी आर प्लेस्ड इन फाइकोमाइसिटिस. ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंगस दैट मे कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग. इनमें से कौन सी फंगस थे जो ह्यूमन बींग में डिजीज करता है? आप सब तो डिजीज के बारे में पढ़े होंगे, तो इनमें से कौन है जो ह्यूमन में डिजीज करता है? ए पक्सिनिया, बी एस्परजिलस, सी सिस्टोपस, डी राइजोपस. तो इसका आंसर है बी, एस्परजिलस. 175 का आंसर है बी. देन 176, ए फंगस
which requires only one single host for completion of its life cycle is called A. heterosis, B. autosis, C. heterothallism, D. heterosporus. A fungus जो कि only one host में ही उसका complete life cycle हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसमें heterosis means different, heterothallism different thallus, heterosporus सब इनमें different different, hetero means different, homo means same, so इनमें सब different है. तो इसका आंसर क्या होगा? अब ऑप्शन क्या बच गया है? बी, दैट इज ऑटोसियस. तो 176 का आंसर बी. देन 177, ए फंगस कंटेन सेल विथ टू न्यूक्लियाई फ्रॉम डिफरेंट जीनोम. द न्यूक्लियाई डू नॉट फ्यूज बट डिवाइडेड इंडिपेंडेंटली एंड साइमल्टेनियसली एज न्यू सेल आर फॉर्म. इट बिलोंग्स टू, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ए फंगस कंटेन टू न्यूक्लियाई फ्रॉम डिफरेंट जीनोम. डिफरेंट जीनोम के जीनोम से वो टू न्यूक्लियाई कंटेन करता है, मगर वो टू न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं होगा, वो सेपरेटली फ्यूज नहीं होगा, सेपरेटली फॉर्म होगा. इंडिपेंडेंटली सेपरेटली वो ट्रांसफर होगा, देन वो इंडिपेंडेंटली फॉर्म होगा. तो वो किस क्लास में बिलोंग्स करता है? ओके, तो इसका आंसर है डी, बेसिडियोमाइसिटिस. ओके, 177 का आंसर डी. देन 178, ऑर्गेनिज्म व्हिच आर इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन ऑफ एयर. दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड इजी क्वेश्चन, दैट इज 178 का आंसर बी, लाइकेन. जिस एरिया में SO2 पॉल्यूशन होगा उस एरिया में लाइकेन ग्रो नहीं करेगा, तो इसका मतलब SO2 पॉल्यूशन हुआ है. तो इसका आंसर है बी, 178 का आंसर बी. देन 179, फंजी इम्परफेक्टी ड्यूटेरामाइसिटिस लैक. तो ड्यूटेरामाइसिटिस को हम फंजी इम्परफेक्टी बोलते हैं, तो किस कौन से कैरेक्टर है उसके लिए हम उसको फंजी इम्परफेक्टी बोलते हैं? तो इसका आंसर है बी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसके लिए हम बोलते हैं फंजी इम्परफेक्टी. ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन 180, दैट इज ऑल हेटेरोट्रॉप्स रिक्वायर एन एनवायरमेंट व्हिच कैन प्रोवाइड ए नाइट्रेट्स इन सॉल्यूशन, बी ऑर्गेनिक कंपाउंड, सी अमोनिया सॉल्ट, डी विटामिन ए. तो इसका आंसर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही एनवायरमेंट देगा तो उसके बाद वो बहुत अच्छे से डेवलप कर पाएंगे इसके लिए, तो इसीलिए ही वो हेटरोट्रॉप्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए ही एनवायरमेंट को चूज करते हैं. ओके, 180 का आंसर बी. देन 181, विचेस ब्रूम ऑफ लेग्यूम्स इज ड्यू टू. लेग्यूम्स में विचेस ब्रूम डिजीज किसके थ्रू होता है? ए माइकोप्लाज्मा, बी बैक्टीरिया, सी फंगस, डी वायरस. तो इसका आंसर है माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा के ही माइकोप्लाज्मा ही कॉज करता है विचेस ब्रूम इन लेग्यूम्स. ओके, 181 का आंसर ए. देन 182, फंगस यूज्ड इन जेनेटिक एक्सपेरिमेंट. जेनेटिक्स एक्सपेरिमेंट में हम किस फंगस को यूज करते हैं? 182 का आंसर सी, न्यूरोस्पोरा. हम न्यूरोस्पोरा को जेनेटिक एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं. इट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. ओके, तो 182 का आंसर सी. देन 183, फंजी कॉजिंग हेयर लॉसेस आर केराटोफाइलस, पायरोफाइलस, कफोफाइलस, डी नॉन ऑफ दिस. तो हेयर लॉस मीन्स वो केराटिन का लॉस होगा और केराटिन डिफिशेंसी दिखेगा, तो इसलिए हेयर लॉस होगा. तो यो फंजी जो कजिंग करेगा हेयर लॉस, तो इस ऑप्शन से केराटिन के जैसे सिमिलर क्या होता है? केराटोफाइलस. तो इसका आंसर सिंपल, केराटोफाइलस. ओके, 183 का आंसर ए. देन 184,
which one is not related to perfect stage of fungus? फंगस का परफेक्ट स्टेज इनमें से कौन नहीं है? ए जाइकोस्पोर, बी म्यूस्पोर, सी आस्कोस्पोर, डी माइटोस्पोर। तो इसका आंसर डी माइटोस्पोर। ओके 184 का आंसर डी। देन 185, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस माइकोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया? इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो हु इज द फेमस माइकोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया? ए पी महेश्वरी, बी एम ओ पिलेंजर, सी ए के शर्मा, डी सदाशिवन। तो इसका आंसर है सदाशिवन। देन 186, ए वाइडली सॉरी ओके 186, ए वाइडली बट पीरियडिकली ऑकरिंग प्लांट डिजीज दैट इज एंडेमिक, बी एपिडेमिक, सी स्पोराडिक, डी एपिफाइटोटिक। तो इसका आंसर क्या होगा? एपिफाइटोटिक। ओके ए वाइडली बट पीरियडिकली ऑकरिंग प्लांट डिजीज दैट इज नोन एज एपिफाइटोटिक। अब जैसे कोरोना और कोविड पड़ता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? पैंडेमिक, क्योंकि वो ऑल वर्ल्ड में होता है होती है हो चुका है, तो इसके लिए हम उसको बोलते हैं पैंडेमिक। सम एरिया में होता है तो उसको हम बोलते हैं एंडेमिक, और ऐसे ही ये टर्म है तो इसको हम बोलते हैं एपिफाइटोटिक। ओके देन 187, ए कार्पोफाइलस फंगस इज डैश कप्रोफाइलस। कप्रोफाइलस मीन्स क्या? जो डंक में ग्रो करते हैं उसको हम कार्पोफाइलस फंगस बोलते हैं। ओके इनमें से कौन है कार्पोफाइलस फंगस? तो इसको याद रखना है, इसको तो कोई ट्रिक नहीं है याद करने के लिए, तो इसको याद रखना है। तो कार्पोफाइलस फंगस इज पाइलोबोलस। ओके इसे याद रखना है, कर्पो कर्पो मीन्स डबल ओ और इनमें पाइलोबोलस। ओके पाइलोबोलस। तो 187 का आंसर बी पाइलोबोलस। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, फंजी डिफर फ्रॉम अदर किंगडम इज बींग, फंजी को हम डिफरेंट करते हैं अदर किंगडम इज बींग यूनिसेलुलर कंज्यूमर, यूनिसेलुलर डिकम्पोजर, मल्टीसेलुलर कंज्यूमर, डी मल्टीसेलुलर डिकम्पोजर। तो इसका आंसर है मल्टीसेलुलर डिकम्पोजर, बिकॉज यूनिसेलुलर ओनली मोनेरा एंड प्रोटेस्टा है, इसके बाद सब मल्टीसेलुलर होते हैं। तो फंजी तो फोटोट्रॉफिक नहीं है, हेटरोट्रॉप्स है, हेटरोट्रॉप्स मीन्स वो डिकम्पोजर है। तो इसके लिए 188 का आंसर है डी मल्टीसेलुलर डिकम्पोजर। ओके देन द नेक्स्ट क्वेश्चन 189, फंगल हाइपा आर एबल टू पेनेट्रेट द होस्ट विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प में वो होस्ट होस्ट में जो अटैच्ड होते हैं देन उसको पेनेट्रेट करके अंदर जाते हैं, तो किस किसके थ्रू वो होते हैं, किसके हेल्प में होते हैं? ए मैकेनिकल प्रेशर, बी सब्टेनिंग बाय एंजाइम, सी बोथ ए एंड बी, डी सकर्स एंड हुक्स। तो इसका आंसर सी मैकेनिकल प्रेशर, सब्टेनिंग बाय एंजाइम्स, इन बोथ के हेल्प में वो होते हैं। तो 189 का आंसर सी। देन 190, एसोसिएशन ऑफ फंगस विथ रूट ऑफ ट्रैकियोफाइट इज ए अमेंसलिज्म, बी कमेंसलिज्म, सी हेलोटिज्म, डी माइकोराइजा। तो हमें फर्स्ट से बोल रही थी कि माइकोराइजा के बारे में, जो एसोसिएशन करता है फंगल और प्लांट के प्लांट रूट और फंगल, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करने के बाद माइकोराइजा फॉर्मेशन होता है, इसको उसको हम माइकोराइजा बोलते हैं। तो ट्रैकियोफाइट मीन्स क्या है? प्रायो सॉरी टेरिडोफाइट प्लस स्पर्मेटोफाइट दोनों मिलकर ही ट्रैकियोफाइट बनाते हैं। तो वो क्वेश्चन को टिके क्वेश्चन को ट्रिक से दिया है कि एसोसिएशन ऑफ फंगस विथ रूट एंड ट्रैकियोफाइट दैट इज नोन एज माइकोराइजा।
ओके 190 का आंसर डी। देन 191, व्हाट इज ट्रू, इनमें से कौन ठीक है? ए टोडस्टूल इज एन एडिबल फंगस, रॉस्ट फंजी आर होमसियस, पैराथेसियम इज प्रोटीन बॉडी इन मशरूम कील प्रोड्यूस बेसिडिया। तो इसका आंसर है डी, इन मशरूम किल्स प्रोड्यूस बेसिडिया। 191 का आंसर डी। देन 192, जाइगोस्पोर आर फॉर्म्ड इन ए पक्सिनिया, बी पेंसिलियम, सी अल्टरनरिया, डी म्यूकर और राइजोपोस। इसका आंसर भी ऑल्सो डी होगा, म्यूकर और राइजोपोस ही जाइगोस्पोर फॉर्मेशन करते हैं। ओके देन 193, टोरुला कंडीशन अक्वर्स इन, टोरुला कंडीशन अक्वर्स इन राइजोफोस, ए बी यूलोथ्रिक, सी स्पाइरोगैरा, डी रिसिया। टोरुला कंडीशन अक्वर इन राइजोफोस, ऐसा याद करना है कि टोरुला कंडीशन राइजोफोस में होता है। जाइगोस्पोर आल्सो राइजोफोस फॉर्मेशन करता है, ब्रेड बोल्ड हम राइजोफोस को बोलते हैं। ओके देन 193 कंप्लीट। 193 का आंसर है ए। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन 194, ए कंबाइंड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हिच इज यूज्ड एज फंजीसाइड, ए फेलिंग सॉल्यूशन, बी फोलिन्स मिक्सचर, सी क्रामिनेटिव मिक्सचर, ड्री ब्रोडेक्स मिक्सचर। ओके हम फंजीसाइड को किसको, फंजीसाइड के लिए दैट मीन्स कि जो फंजी डेवलप नहीं होगा उसके लिए हम किसको यूज़ करते हैं, ब्रोडेक्स मिक्सचर। तो इससे भी क्वेश्चन आएगा कि ब्रोडेक्स मिक्सचर क्या क्या होने से ब्रोडेक्स मिक्सचर होता है, किस 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 सॉल्यूशन होने से ब्रोडेक्स मिक्सचर होता है। तो इसको याद भी रखना है कि कॉपर सल्फेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके तो 194 का आंसर डी। देन 195, द जाइगोट ऑफ द फॉलोइंग फंजी इज मल्टी न्यूक्लेटेड, ए म्यूकर, बी ईस्ट, सी राइजोफस, डी पक्सेनिया। तो इसका आंसर है सी राइजोफस। ओके राइजोफस बारे में कितने सारे क्वेश्चन हैं उसको याद रखना कि क्या क्या राइजोफस के बारे में है। ओके 196, अकॉर्डिंग टू देयर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन द फंजी आर क्लासिफाइड इनटू, अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंजी आर क्लासिफाइड इनटू क्या, टू कैटेगोरी, वन इज सैप्रोफाइट्स, अनदर इज हेटरो सॉरी सैप्रोफाइट्स पैरासाइट। इन दोनों ग्रुप में ही फंजी को डिवाइड करते हैं। दैट क्वेश्चन में था ना कि दे आर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स दैट इज फंजी तो हेटरोट्रॉप्स ही है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स क्या है, दैट इज पैरासाइट एंड सैप्रोफाइट, सो डिवाइडेड इंटू टू कैटेगोरी। ओके 196 का आंसर बी। Then 197, that parasexuality was first discovered in, parasexuality किन में, किस इनमें से कौन सी parasexuality character show करता है, वो फंजी है। ओके 197 का आंसर सी, फंजी। देन 198, फंगल स्पोर प्रोड्यूस्ड असेक्सुअली एट द टिप ऑफ द हाइफा आर कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर्स, बी एंथोस्पोर्स, सी कोनिडिया, डी मियोस्पोर। तो इसका आंसर है कोनिडिया। 180 का आंसर सी, दैट इज कोनिडिया। असेक्सुअली फंगल कोनिडिया से प्रोड्यूस करता है, असेक्सुअली प्रोडक्शन कोनिडिया से करता है, कोनिडिया, ओइडिया और क्या है असेक्सुअली प्रोडक्शन का, स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियोफोर्स तो है बट मेनली हमारे स्टीप अप के हाइफा के कोनिडिया। ओके कोनिडिया, ओइडिया, क्लामाइडोस्पोर इनमें से वो असेक्सुअली प्रोडक्शन करता है। तो 198 का आंसर है सी। देन 199, कोलुमेला इज अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन द स्पोरेंजियम ऑफ, ए यूलेथ्रिक्स, बी राइजोफस, सी स्पाइरोगैरा, डी नॉन ऑफ दिस। कोलुमेला मेनली किसके पास होता है, ब्रायोफाइट के पास होता है, जैसे कि कोलुमेला एंथोसेरस, पागिनम ऐसे होता है, बट इन फंजी में भी कोलुमेला प्रेजेंट है। तो कोलुमेला किस में प्रेजेंट है,
राइजोफर्स बारे में बहुत कुछ है। राइजोफर्स ब्रेड मोल्ड है, राइजोफर्स कोलोमेला फॉर्मेशन करता है, और जो भी क्वेश्चन राइजोफर्स के बारे में है उसको याद रखना। ओके, देन 200 सिनोगैमेंट्स आर फाउंड इन। सिनोगैमेंट्स किस में फाउंड होता है? सिनो मीन्स दे हैव मल्टीपल न्यूक्लियर्स। ओके, सिनोगैमेट्स किस में फाउंड होता है? ए राइजोफर्स, बी सैक्रोमाइसिस, सी अल्बुको, डी अल्टरनेरिया। तो इसका आंसर है ए राइजोफर्स। राइजोफर्स के बारे में बहुत कुछ है, अब सब अच्छे से राइजोफर्स बारे में पढ़ना है, और क्वेश्चन भी उसके बारे में बहुत पढ़ रहा है तो उसको देख देना है कि राइजोफर्स के बारे में। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एल एस टी इज ऑब्टेन फ्रॉम ए क्लाबिटा, बी क्लाबिसेप्स, सी अमांटिया, डी ट्राइकोडोमा। तो इसका आंसर है क्लाबिसेप। क्लाबिसेप से एल एस टी फॉर्मेशन होता है और ऑब्टेन होता है। तो 201 का आंसर बी। देन 202, ए प्लांट एग्जाम्पल इन व्हिच रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर लैक ए लेयर ऑफ स्टेराइल वेजिटेटिव सेल सराउंडिंग द एग। एग के पास स्टेराइल वेजिटेबल्स नहीं है, स्टेराइल वेजिटेबल सेल्स नहीं है, वेजिटेटिव सॉरी सॉरी वेजिटेटिव सेल्स नहीं है, या हम बोल सकते हैं कि जैकेट लेयर नहीं है। तो किसके पास नहीं है? ईस्ट के पास। ओके, 202 का आंसर सी। देन 203, द डिजीज व्हिच ऑकर एट इरेगुलर इंटरवल्स एंड लोकेशन आर नोन एज। इसको हम क्या बोलते हैं? ए एपिफाइटोटिक डिजीज, बी एंडेमिक डिजीज, सी स्पोराडिक डिजीज, डी एपिडेमिक डिजीज। द डिजीज व्हिच ऑकर एट इरेगुलर इंटरवल एंड लोकेशन आर नोन एज, उस लोकेशन को हम क्या बोलते हैं? 203 इज स्पोराडिक डिजीज हम बोलते हैं। 203 का आंसर सी। देन 204, क्लिस्टोथेसियम इज प्रेजेंट इन ए ओनली इन एस्परजिलस, बी ऑल एस्कोमाइसिटिस, सी पेंसिलियम एंड एस्परजिलस, डी हेमियास्कोमाइसिटिस। तो इसका आंसर है पेंसिलियम एंड एस्परजिलस। 204 का आंसर है सी, पेंसिलियम एंड एस्परजिलस। देखते हैं और कितने क्वेश्चन है। हाँ ओके, 2028 के बाद पंच का क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एल्जी पढ़ेंगे, तो ज़्यादा नहीं है, कम है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेप्टम इन यू माइकोटा फंजी बियरिंग ए कॉम्प्लेक्स स्पोर इज डेजिग्नेटेड एज। सेप्टम, सेप्टा प्रेजेंट होगा। ओके, सेप्टम इन यू माइकोटा फंजी बियरिंग ए कॉम्प्लेक्स स्पोर इज डेजिग्नेटेड एज, ए सिनोसाइट, बी सेप्टेड हाइपर, डी टोलीपोर सेप्टम, सी सेकेंडरी सिंपल पोर। तो इसका आंसर है सी, टोलीपोर सेप्टम। देन 206 का आंसर, 206 का क्वेश्चन, स्मॉट ऑफ मेज, मेज रे स्मॉट डिजीज किसके किस फंजी करता है मेज में स्मॉट डिजीज। ए उस्टीलागो होरिडे, उस्टीलागो नूडा, उस्टीलागो एवेना, उस्टीलागो मायाटिस। तो इनमें से कौन सी है? उस्टीलागो मायाटिस। ओके, देन हेलमिंथस पोरियम ओराइजा वाज कॉजेटिव ऑफ द डिजास्टर इरिस फेमाइन इन 1848, कोलैप्स ऑफ फ्रेंच इंडस्ट्री इन 1870, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लांट इन साइलोन इन 1860, बेंगाल फेमाइन इन 1943। हेलिमिंथस पोरियम ओराइजा, तो किसके कॉज में होता है ये? बेंगाल फेमाइन इन 1943। ओके, हेलमिंथस पोरियम ओराइजा बेंगाल फेमाइन इन 1943 में कॉजेटिव ऑफ द डिजास्टर बेंगाल फेमाइन में होती है। ओके, 207 का आंसर क्या होगा? डी 208। इन 1943 द कॉजल ऑर्गेनिज्म एंड होस्ट ऑफ बेंगाल फेमाइन, अभी अभी मैं बोली थी
कि बेंगाल फेमाइन का काज किसके साथ होता है। वो क्वेश्चन था हेलमिंथस सुरैजा, और वो इसको वो रिवर्स कर दिया, और इसका आंसर होगा क्या, हेलमिंथस हेलमिंथस सुरैजा ब्राउन लीव्स पॉट ऑफ राइस बाय हेलमिंथस सुरैजा। ओके 208 का आंसर डी। देन 209, द डिजीज ऑफ पटाटो रिस्पॉन्सिबल फॉर फेमस फेमाइन ऑफ यूरोप वॉज कॉज्ड बाय और लेट ब्लाइट पटाटो। लेट ब्लाइट ब्लाइट ऑफ पटाटो किसके कस्ब में होता है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस, जो यर्ली ब्लाइट ऑफ पटाटो, अल्टरनेरिया सोलानी। ओके सो 209 का आंसर बी। देन एरिकट इज कॉज्ड बाय क्लाविसेप बी पेंसिलियम सी एस्परजिलस डी राइजोबियम। तो इसका आंसर क्या होगा, ए क्लाविसेप, एरिकट इज कॉज्ड बाय क्लाविसेप। पैथोजन पड़ेगा डिजीज। ओके तो इसके लिए ये फंगल डिजीज में बहुत है, तो ये सब फंगल डिजीज है, तो ये सब देख देना अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग फंगल डिजीज स्प्रेड बाय सीड एंड फ्लावर्स, सीड एंड फ्लावर्स ये दोनों को ही फंगल डिजीज होता है। तो इस फंगल डिजीज का नाम क्या है, लूज मॉट ऑफ व्हीट। 221 का आंसर डी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंगल डिजीज, इनमें से कौन से फंगल डिजीज नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से फंगल डिजीज नहीं है। ए व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफेरा, बी ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, सी रेड रस्ट ऑफ टी, और डी रेड ऑफ रेड रॉट ऑफ सुगरकेन। तो इसका आंसर है सी रेड रस्ट ऑफ टी। रेड रस्ट ऑफ टी फंगल डिजीज नहीं है, वो आलजी है। ओके देन 221 का आंसर सी। 213, दैट इज बॉटनिकल नेम ऑफ स्पेसिस विच कॉज व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफेरा। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफेरा किसके द्वारे होता है, अल्बुको कैंडिडा। ओके तो 213 का आंसर डी। देन पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ क्रॉप्स आर कॉज्ड बाय, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ क्रॉप्स आर कॉज्ड बाय ए बैक्टीरिया, बी एस्कोमाइसिटिस, सी फाइकोमाइसिटिस, डी बेसिडियोमाइसिटिस। तो इसका आंसर है बी एस्कोमाइसिटिस। 214 का आंसर बी एस्कोमाइसिटिस। ओके देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिजीज कॉज्ड बाय सिनकाट्रियम एंडोबायोटिक बायोटिकम इज फाउंड इन। ये क्वेश्चन तो बार बार पढ़े होंगे, व्हाट डिजीज कॉज्ड बाय सिनकाट्रियम एंडोबायोटिकम इज फाउंड इन, इनमें से कौन से फाउंड है, पोटैटो में फाउंड है। ओके 215 का आंसर बी। देन 216, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, रूट नॉट डिजीज, मिलोडिक चाइनी, जावानिका, स्मॉट ऑफ ब्राजरा, टोलिस्पोरियम पेनिसिलारिया, कवर्ड स्मॉट ऑफ बाले, उस्टिला गोनोडा, लेट ब्लाइट ऑफ पटाटो, फाइटोप्थोरा इन्फेक्टांस। तो लेट ब्लाइट ऑफ पटाटो, फाइटोप्थोरा इन्फेक्टांस। 216 का आंसर सी, कवर्ड स्मॉट ऑफ बाले, उस्टिला गोनोडा नहीं, उस्टिला को होरिडे होगा आई थिंक, बट यू गो थ्रू बुक इनके बारे में। ओके 216 का आंसर सी जो कि रॉन्ग है। ओके देन 217, इन पक्सिनिया इन्फेक्शन फ्रॉम बारबेरी लीफ टू व्हीट प्लांट इज कॉज्ड बाय। ओके पक्सिनिया, पक्सिनिया ऑप्शन ए पिक्नोस्पोर, बी एसिडियोस्पोर, सी यूरोडियोस्पोर, डी टेरिटोस्पोर। तो इनमें से क्या होगा, 217 का आंसर सी सॉरी बी एसिडियोस्पोर, एसिडियोस्पोर होगा। ओके 217 का आंसर बी। देन 218, एप्लोटॉक्सिकोसिस ऑफ पल्यूट्री इज कॉज्ड बाय, ए एस्परजिलस फ्लावर्स, बी एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, सी कैंडिडा अल्बिकन्स, डी राइजोफस। तो इसका आंसर है ए एस्परजिलस फ्लावर्स। ओके इसे मैंने इसे याद रखना है कि एस्परजिलस फ्लावर्स एप्लोटॉक्सिस। ओके 218 का आंसर ए। देन 219, वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ म्यूकर, मॉस, सिलाजिनला एंड पाइनस। तो इसका आंसर है म्यूकर,
दैट इज फंजी, अंडरगोज फंजी. ओके 219 का आंसर है ए. देन फंजी ग्रोइंग ऑन रटन वुड आर कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं जो रटन वुड में ग्रो करता है जो फंजी, उसको हम बोलते हैं ब्रैकेट फंजी. ओके तो इसका आंसर है ए, 220 का आंसर है ए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजीज प्रोड्यूस्ड बाय फंगस उस्टिलागो आर नोन एज स्मॉट बिकॉज दे पैरासाइट सीरियल्स दे अफेक्ट होस्ट बिकम कम्प्लीटली ब्लैक द माइसेलियम इज ब्लैक दे प्रोड्यूस सूटी मास ऑफ स्पोर्ट्स. तो इसका आंसर है डी, द प्रोड्यूस सूटी मास ऑफ स्पोर्ट्स. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, आज ही हम फंजी कंप्लीट कर देंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द थैलस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल ए फंगस इज एंटायरली कन्वर्टेड इंटू वन और मोर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड ए यूकार्पिक, बी होलोकार्पिक, सी होलोजोइक, डी होमाथैलिक. तो इसका आंसर है बी होलोकार्पिक, क्योंकि एंटायर कन्वर्टेड होगा तो बी होलोकार्पिक. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इन व्हिच प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी हैप्लोडाइजेशन दैट मीन्स मेयोसिस टेक्स प्लेस बट नॉट एट स्पेसिफिक प्लेस इन लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज पैरासेक्सुअलिटी. पैरासेक्सुअलिटी का डेफिनेशन है अ टाइप ऑफ लाइफ साइकिल व्हिच सो प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी हैप्लोडाइजेशन, हैप्लोडाइजेशन मीन्स मेयोसिस टेक्स प्लेस बट नॉट ए स्पेसिफिक प्लेस इन लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ओके तो सो 223 का आंसर है पैरासेक्सुअलिटी. देन 224, इन ऑल मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज द नंबर ऑफ एस्कोस्पोर एंड देयर अरेंजमेंट इन एन एस्कस आर एज फॉलोज ए 8 एस्कोस्पोर इन ए लिनियर ऑर्डर बी 4 एस्कोस्पोर इन ए लिनियर ऑर्डर सी आइदर 8 और 4 एस्कोस्पोर बट ऑलवेज इन ए लिनियर ऑर्डर डी आइदर 8 और 4 एस्कोस्पोर इन ए लीनियर ऑर्डर और ऑन ऑर्डर. तो इसका आंसर है सी, इन ऑल मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज द नंबर ऑफ एस्कोस्पोर एंड देयर अरेंजमेंट इन एस्कस आर एज आइदर 8 और 4 एस्कोस्पोर बट ऑलवेज इन ए लीनियर ऑर्डर. एस्कोस्पोर एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर 8 फॉर्मेशन होता है 8 या 4 बट वो सब लीनियर ऑर्डर में होते हैं. तो 224 का आंसर सी. देन 225, ओके 225 क्या, फाइटोटॉक्सिन आर सिक्रेटेड बाय प्लांट्स इन रेस्पॉन्स टू फंगल रिएक्शन. फंगल रिएक्शन प्लांट प्लांट में होने प्लांट सॉरी फाइटोटॉक्सिन आर सिक्रेटेड बाय प्लांट इन रेस्पॉन्स टू फंगल रिएक्शन. दिस कंपाउंड्स आर जनरली, फाइटोटॉक्सिन क्या है, प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, फिनोलिक कंपाउंड से लिपिड है. ऑब्वियसली फिनोलिक कंपाउंड ही होगा वो फंगल जब अफेक्ट करेगा प्लांट को तो वो प्लांट सिक्रेट करेगा फाइटोटॉक्सिन. सो फाइटोटॉक्सिन क्या होगा, फिनोलिक कंपाउंड्स. ओके 225 का आंसर सी. देन 226, वी कैन डीमार्केटेड ए डीमार्क्ड ए फैकल्टेटिव पैरासाइट एज वन विच. हम फैकल्टेटिव पैरासाइट किसको बोलते हैं, ए इनवायटेबल रिक्वायर्स लिविंग होस्ट, जो लिविंग होस्ट को रिक्वायर करता है, ओनली रिक्वायर्स डेड ऑर्गेनिक मैटर टू लिव, इज यूजुअली ए पैरासाइट बट कैन ऑल्सो बिकम सप्रोफाइट, या इज एक्चुअली अ सप्रोफाइट बट कैन ऑल्सो बिकम ए पैरासाइट. तो इसका आंसर है इट एक्चुअली सप्रोफाइट बट कैन ऑल्सो बिकम ए पैरासाइट. वो क्वेश्चन में है ना फैकल्टेटिव पैरासाइट मीन्स आप जब कोचिंग सेंटर या कॉलेज में जाते हो तो आपको फैकल्टेटिव स्टाफ आके पढ़ाते हैं ना, तो फैकल्टेटिव तो परमानेंट नहीं. तो इससे ही याद रखना है कि फैकल्टेटिव पैरासाइट मीन्स दे आर पैरासाइट, दे आर सप्रोफाइट एक्चुअली सप्रोफाइट बट कैन ऑल्सो बिकम ए पैरासाइट. पैरासाइट के लिए फैकल्टेटिव है वो. सो ये सप्रोफाइट है बट कैन ऑल्सो बिकम ए पैरासाइट. तो 226 का आंसर डी. देन मैच द कलम. ओके तो एस्कोस्पोर इनमें से कौन से जाएगा, एस्कोस्पोर ऑक्सोस्पोर तो फॉर्मेशन करेगा डायएटम्स, एस्कोस्पोर फॉर्मेशन करेगा एंडोस्पोर बेसिडियोस्पोर, तो इनमें से कौन होगा. एस्कोस्पोर फॉर्मेशन करेगा ईस्ट, ओके एंडोस्पोर बैक्टीरिया, ऑक्सोस्पोर डायएटम
बेसिडियस पर एगारिकस। तो ए एस बी एंडोस्पोर बैक्टीरिया, बी आर ए एस बी आर सी पी डी क्यू, इसका आंसर है 227 का ए। देन 228, व्हिच वन सीक्रेट फेरमोन्स फॉर द फंक्शन, ए राइजोपस फॉर फॉर्मेशन ऑफ जाइकोस्पोर, बी ऑल फंजी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सी ईस्ट फॉर मेटिंग, डी प्लांट्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो 228 का आंसर ए राइजोफोर फॉर फॉर्मेशन ऑफ जाइकोस्पोर। सो कंप्लीट हो गया ऑल फंजी। देन इन द नेक्स्ट क्लास हम एल्जी के बारे में पढ़ेंगे। ओके सो कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड जो भी आपका डाउट है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसको ट्राई करूँगी आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। ओके सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके थैंक यू सो मच।